सो है एवरीवन, वेलकम बैक टू माय अदर न्यू व्लॉग। तो गाइज आज किस व्लॉग में मैं आया हूँ पटना, और गाइज किस लिए आया हूँ मैं बताता हूँ। गाइज आज हम लोग लेने वाले हैं एक ड्रोन, जो कि ड्रोन है मिनी 4 DJI का, मिनी 4 प्रो। और गाइज एक हम जो है कि एक इंस्टा 360 X3 या X4 लेने वाले हैं, दोनों में से कंफ्यूज है। बट अभी जाएंगे मार्केट और वहाँ पर देखते हैं, जिसका प्राइस सही लगेगा तो हम उसी को लेंगे। देख सकते हो गाइज फाइनली हम लोग जो है कि पटना पहुँच चुके हैं। तो चलिए अब यहाँ पर जो है कि दर्शन कर लेंगे, और दर्शन करने के बाद चलेंगे मार्केट तरफ और उधर ही देखेंगे। तो गाइस ब्लॉग को पूरा एंड तक देखिए, ब्लॉग को नहीं ब्लॉग को लाइक करिए, जब तक हमारे चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करके साथ बेल आइकन प्रेस करिए। चलिए इस ब्लॉग को कंटिन्यू करते हैं। तो दोस्तों फाइनली हम लोग पटना जंक्शन पहुंच चुके हैं। गाइस काफी यहाँ पर जो है कि आज बारिश हो रही है, देख सकते हो बहुत ज्यादा इधर बारिश हो रही है। ये रहा महावीर मंदिर। अब चलिए हम लोग चलते हैं गांधी मैदान के पास, फिर आपको आगे का दिखाते हैं। गेट नंबर 9 के पास अब हम लोग चलेंगे आधारशिला कॉम्प्लेक्स। गाइस यहाँ पर पटना बहुत ज्यादा बारिश हो रही है, देख सकते हो गाइस कितना ही ज्यादा यहाँ पर बारिश हो रही है। मतलब हम लोग देख सकते हो पूरा एकदम भींग चुके हैं, भींगते आपको मेरे ग्लासेस में दिख रहे होंगे, भींगते जा रहे हैं। और चलिए वहाँ पर जाएंगे और आप लोग को दिखाएंगे क्या लेते हैं नहीं लेते हैं, तो सारा कुछ आपको अंदर जाने के बाद ही पता चलेगा। सो गाइस हम लोग जो है कि आधारशिला कॉम्प्लेक्स पहुँच चुके हैं। ये देख सकते हो सामने रहा आधारशिला कॉम्प्लेक्स। चलिए अब अंदर चलते हैं, बहुत बारिश हो रही है गाइस, पूरा भींग चुके हैं। सो गाइस तो फाइनली जो है कि पटना के हम यहाँ पर शॉप पे आ गए हैं। यहीं पर से हम जो है कि अपना DJI मिनी 3 अपना ड्रोन लेके गए थे। तो चलिए यहीं पर चलते हैं और प्राइसेस सारी चीज़ का पता करते हैं, देन आपको आगे बताते हैं। सो गाइस तो फाइनली हमारा जो है कि इंस्टा 360 X4 जो है कि हमने फाइनल करा है। X3 ऐसे लेने का सोच रहे थे, बट X3 से ज़्यादा अच्छा X4 लग रहा है, क्योंकि इसमें बहुत सारे एक्स्ट्रा फीचर्स हैं। ठीक है, तो चलिए इसका देखते हैं, पेमेंट करते हैं, सोच रहे हैं EMI करा लें। ठीक है, तो चलिए चेक कराते हैं, देन इसको अनबॉक्सिंग करेंगे और सारा कुछ आपको दिखाएंगे। साथ साथ DJI मिनी 4 प्रो भी ले रहे हैं, तो चलिए उसको भी दिखाएंगे, वो भी आ रहा है शॉप में। ये रहा कुछ इस तरह का शॉप पटना का। तो यहीं से हम अपना मिनी 3 भी ले गए थे, अब 4 प्रो भी लेके जा रहे हैं। तो चलिए आने दीजिए, फिर उसके बाद आपको दिखाते हैं। सो गाइस तो यहाँ पर देख सकते हो कि हमारा DJI मिनी 4 प्रो आ चुका है काफ़ी देर के बाद, करीब 1 घंटा वेट करने के बाद। ये देख सकते हो ये है DJI RC2 फ्लाई मोर कॉम्बो, DJI RC2 बंडल फ्लाई मोर कॉम्बो, ये 38 मिनट्स वाला है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, ये लेना होगा तो इसको पेमेंट करते हैं और इसके बाद इसको अनबॉक्सिंग करके आपको आगे दिखाते हैं। सो गाइस तो यहाँ पर देख सकते हो हमने DJI मिनी 4 प्रो दोनों 4 प्रो है, बट एक देख सकते हो गाइस 45 मिनट्स का 3 बैटरी है, और ये गाइस 34 मिनट का 3 बैटरी है। ठीक है, तो हमें लेना ये था, दोनों का थोड़ा सा दाम का मतलब डिफरेंस है, 1,10,000 का, ये 1,15,000 का है, तो हम लोग को यही लेना है। तो चलिए इसको फाइनल करते हैं और इसको अनबॉक्सिंग करते हैं। चलिए अब इसको बाद आपको पेमेंट करते हैं, देन डायरेक्ट अनबॉक्सिंग दिखाते हैं। अरे क्या है, कुछ PV100 भी तुम भेजो, ऐसा ही साला लग रहा है कि 6 महीना वो उसी के पास लग जाएगा, मैकेनिक के पास से। वैसा मिस्त्री है कि जल्दी काम ही नहीं करके देता है। अरे स्टिकर भैया 2500 तो ठीक है, क्या हुआ उसमें? अब नचेगा24 किलोमीटर
आने के बाद और कहीं है घूमने का जगह? केदारनाथ के बाद है नहीं, बासुकी ताल है और कौन कौन जगह है? सब में जा पाइएगा, उधर आदमी जिंदा नहीं बस। केदारनाथ पहुंचने के बाद बस एक बस कहीं बैठ जाए और सोते बस। पूरा बैठ देखिए लास्ट में हालत का होता है। जाएंगे जाएंगे कसम खाए, मेरा गाड़ी वाला कह रहा था जिंदगी में दोबारा कभी नहीं जाएंगे। पोर्ट्रेट करो ना, पोर्ट्रेट पोर्ट्रेट भैया तो गाइस, तो फाइनली हम लोगों ने ड्रोन को परचेस कर लिया, मिनी 4 प्रो है, ठीक है। और ये देख सकते हो यहाँ पर हम जो है कि थैला में इसको कर लिया है और अभी तक जो है कि बारिश नहीं रुका था। आपको सारा कुछ तो अनबॉक्सिंग दिखाई दिए, अब चलिए देखते हैं कहीं पर इसको फ्लाई करेंगे, थोड़ा बैटरी को चार्ज में लगाएं, इसको फ्लाई करेंगे और इसका आपको डेमो भी दिखाएंगे कि इसका कैसा क्वालिटी। वैसे तो क्वालिटी बहुत ही ज़्यादा तगड़ा है, ठीक है। तो चलिए अब यहाँ से कॉम्प्लेक्स आधारशिला कॉम्प्लेक्स अब हम लोग बाहर निकलते हैं। और गाइस ये मैं बताता हूँ कि ये ड्रोन जो है, ये ड्रोन मेरा नहीं है, ये ड्रोन एक दोस्त ने लिया है, ठीक है। क्योंकि मेरा तो मिनी 3 ही ड्रोन है और ये ड्रोन मेरे दोस्त ने लिया है। वैसे मैं भी अपग्रेड करूंगा 4-5 महीने के बाद। और एक हाँ, एक और चीज़ वो मैं नहीं ले पाया, इंस्टा 360 X4 जो मैं लेने वाला था वो नहीं ले पाया क्योंकि EMI करवाने वाले थे और EMI बोल रहे थे कि वो 8% जो है उस पर चार्ज पे होगा, इसलिए मैंने उसको नहीं करवाया क्योंकि मुझे ज़्यादा अमाउंट पड़ रहा था और फिर ज़्यादा मंथली हो जाती, इसलिए मैं वो नहीं लिया। बाद में देखते हैं कभी अरेंजमेंट होता है तो वो ले। चलिए अब आपको फुटेज दिखाएंगे। तो गाइज आई होप ये ब्लॉग देख के आपको काफी ज्यादा मजा आया होगा। तो गाइज ये ब्लॉग पसंद है तो ब्लॉग को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ साथ बेल आइकन पर प्रेस कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं किसी न्यू और ना इंटरेस्टिंग ब्लॉग के साथ। थैंक यू सो मच वॉचिंग, बाय।